हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो काफ़ी अलग है, काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू है, मतलब सोल के अंदर जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको सर, आपने मार्कशीट नहीं देखी होगी दिल्ली विश्वविद्यालय की, SOL की। आपको मैं आज बताऊँगा कि अभी जो आपको मार्कशीट मिलेगी, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का या सिक्स सेमेस्टर का या आपका फोर्थ सेमेस्टर का, किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आपको किस टाइप की मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी और पहले कैसी मिलती थी, वो भी मैं आपको दोनों मार्कशीट आपको मैं पैटर्न दिखाऊंगा मार्कशीट का कि दिल्ली विश्वविद्यालय सोल की जो मार्कशीट है कैसी आपको दिखती है। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मुझे लगता है ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने तो शेयर की नहीं है। ठीक है, मार्कशीट दिखती कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये न्यू पैटर्न की मार्कशीट है, यही आपको मिलेगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ आपकी सारी डिटेल रहेगी, जैसे एग्ज़ाम रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर, मतलब एनरोलमेंट जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, सेमेस्टर, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट है, यहाँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर लिखा रहेगा, सेकेंड लिखा रहेगा, कॉलेज नेम, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जैसे आप सोल से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या किसी और कॉलेज से दयाल सिंह से दयाल सिंह, यहाँ DU का लोगो रहता है, देख लीजिए क्या डिजाइन में लिखा हुआ है, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर, और यहाँ लॉक है, डेजी लॉकर का वेरीफाई है, और उसके बाद प्रिंटिंग की डेट यहाँ रहती है। उसके बाद देखिए, इस टाइप से आपके सब्जेक्ट लिखे रहते थे क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे पेपर के कोड लिखे रहेंगे, पेपर के नाम रहेंगे, ये कोर है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के ये नंबर है, तो ऐसे आपके नंबर शो करेंगे, कितनी ग्रेड आई है, देखिए, और कि कितना क्रेडिट पॉइंट मिला है, कितने नंबर आपको मिले हैं। जैसे आपको ये जो ग्रेड पॉइंट है आपके स्कूलों में मिला करते थे, A+, B+, ऐसे आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे टोटल आपका लिखा रहेगा कि आपको कितने में से कितने मिले हैं। ठीक है, जैसे आप, जैसे 22 क्रेडिट का पॉइंट है, जैसे सेमेस्टर वन में 22 क्रेडिट है, सेकेंड में भी 22 है, तो टोटल क्रेडिट पॉइंट आपको 176 मिले हैं। CGP आपकी कितनी बनी है, 8%, रिजल्ट आपका पास आउट हो गया, और CGPA हो गया आपका 8.27%, मतलब 8% से ऊपर इनकी CGPA भी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ डिटेल रहती है, तो इस टाइप की आपको मार्कशीट देखने को मिलेगी इस बार। अब देखिए, सोल में 2019 से पहले भी मार्कशीट मिलती थी, वो ऐसी नहीं थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आज। तो ये है 2019 से पहले जो सोल की तरफ से, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मार्कशीट मिलती थी, तो प्राइवेसी के कारण हमें डिटेल छुपानी पड़ी है। तो कोई नहीं, देखिए लोगो चेंज हुआ है, लोगो जो अभी है दिल्ली विश्वविद्यालय का है, पहले लोगो ऐसा था, स्टेटमेंट जो था ऊपर, जो मतलब जो बैनर, मतलब जिसमें आपकी डिटेल थी यूनिवर्सिटी दिल्ली करके, वो भी चेंज है। बट इसमें देखिए, ये एनुअल मोड की मार्कशीट है, पहले सोल में ऐसी मार्कशीट मिलती थी, यहाँ पास लिखा रहता था, यहाँ 100 में से आपके कितने नंबर आए नंबर लिखे रहते थे, यहाँ तीनों सेमेस्टर में ये स्टूडेंट पास है और थर्ड डिवीज़न से पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। तो ये मार्कशीट का पैटर्न सोल ने चेंज किया है, सोल आपको उसी टाइप की मार्कशीट देगा जैसी अभी मैंने इससे पहले दिखाई थी। ये 2019 से पहले जिन्होंने एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ले रखा है, उनको ऐसी मार्कशीट देखने को मिलेगी। आपने 2021 में ले रखा है तो आपको उस टाइप की मार्कशीट देखने को मिलेगी। देख ली कितना अंतर है, दोनों मार्कशीट आप कंपेयर कर लेना, समझ जाओगे पैटर्न चेंज किया है मार्कशीट का। और अब की बार जो मार्कशीट आई काफ़ी अच्छी है पहले के मुकाबले, पहले तो ऐसा लग रहा था कि, देख लीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।